नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में किसानों और आम जनता को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा मनाए जाने वाला पखवाड़ा जिला कैथल कस्बा सीवन में शुरू हो गया। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने पखवाड़े का शुभारंभ किया। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने स्वयं खेतों में जाकर के फसल अवशेष प्रबंधन को देखा और इस मौके पर किसानों से बातचीत करते हुए उन खेतों में पराली न जलाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि किसान फसल की पराली को किसी भी कीमत पर न जलाएं, क्योंकि इससे खुद किसान को भी नुकसान होता है तथा दूसरे समाज को भी भारी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान अपने खेत में पराली जलाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने सीवन में आयोजित किसानों को एक कार्यक्रम में संबोधित भी किया। वहीं पराली न जलाने की शपथ भी दिलाई तथा मीडिया से बातचीत करते हुए प्रगतिशील किसानों कृपाल सिंह और राजेश रहेजा को कहा कि पराली को जलाना बहुत गलत है और सरकार जनहित में किसानों को पराली जलाने के कारण ही जुर्माना करती है। उन्होंने कहा कि पराली के अच्छे इस्तेमाल से बहुत लाभ पहुंच सकता है, बल्कि पराली को जलाने के स्थान पर आधुनिक मशीनों का उपयोग कर पराली का इस्तेमाल करें। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। नाम गुरपाल सिंह, मैं गांव जसवंती का किसान हूं और इन सूटू के अंदर मैंने एम्प्लीमेंट्स खरीदे हैं और इनको चलाने से मेरा आमदन बढ़ रही है और पराली को जलाने से मुझे मुक्ति मिल रही है सर। और मैं और ज़िम्मेदारों को भी इसके लिए प्रेरित करता हूं कि आप पराली मत जलाएं, इसको ज़मीन में मिलाएं या गट्ठे बना के अपना इनकम कमाएं। धन्यवाद सर। बेलर यूनिट है सर, उसको स्लेसर लगा के हेरे करने के बाद हम बेल से गांठे बना सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस है मल्चर के बाद हम रोटावेटर लगा के इसको ज़मीन में मिला सकते हैं। सीधी बिजाई के लिए हम हैप्पी सीडर से हम सीधी बिजाई कर सकते हैं। आपके द्वारा चलाई गई योजना पूरी तरह से सक्सेसफुल है और मेरी सभी जिम्मेदार भाई से रिक्वेस्ट है कि वो अपनाएं और अपने पोल्यूशन होने से बचाएं। राजेश कुमार रहेजा सीवन से हूँ मैं, और जो सरकार ने ये कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों के लिए बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया स्कीम किसानों को ये सरकार ने दी है। इसके तहत हमने सोसाइटी बना के और सारा सामान लिया है। इसमें हमने जैसे ये पाने खेत में बने हुए हैं, हम इसको चोपर से, जैसे ये चोपर चल रहा है सामने, चोपर से इसको चोप करके और पलटा हल से हम इसको मिट्टी में मिला देते हैं। इससे हमारे को ज़मीन में जो आग लगाने की समस्या थी वो ख़त्म हो गई है और धरती की उपजाऊ शक्ति है जो इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। हम यही कहना चाहेंगे कि जो आग लगाने का नुकसान है, पर्यावरण को भी नुकसान पड़ता है और धरती को भी नुकसान है, आप उसकी बजाय जो मशीनें सरकार ने अवेलेबल कराई हैं आप उसका यूज़ करो, उससे आप जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। सरकार के द्वारा क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट पे पखवाड़े का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो उसके चलते हमने कल मीटिंग भी ली थी और आज हम फील्ड में डेमोंस्ट्रेट भी कर रहे हैं, खासकर उन जगह पे जहाँ पे ज़्यादा इंसिडेंट होते रहे हैं पैडी के रेसिड्यूज़ बर्निंग करने के लिए। तो यहाँ पे सारे किसानों को डेमोंस्ट्रेट करके बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हर एक मशीन का क्या क्या काम है और उनके खेत के लिए कौन सी ठीक रहेगी। ये फार्मर्स खुद, हमारे एक्सपर्ट्स भी आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, और भी फार्मर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर सकते हैं उन्होंने पहले यूज़ किया था। और इसका मेन मकसद है कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि ना तो वो पराली जलाएं, और उसके साथ साथ ये उनके आय का साधन भी बन सकता है यदि उसको सही तरीके से वो मैनेजमेंट करें इसका। तो जो मशीनें आ चुकी हैं उनसे इस प्रकार से पराली को इकट्ठा किया जाता है, उसके स्टैक्स बनाए जाते हैं, आगे पेपर इंडस्ट्री में भी उसको बेचा जाता है। तो सिर्फ कचरे ना बन के वो आगे उनको आय का भी साधन बन सकती है। और उसके साथ साथ जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए गए हैं उसके माध्यम से बहुत सारे बेरोजगार जो लोग हैं उनको भी रोजगार का माध्यम मिला है, ले सकते हैं मशीन और वो अपने जो खेत हैं उसमें पराली जो खड़ी है उसका समाधान करा सकते हैं। कुछ समय पहले तक जनरली कृषि विभाग का जो मेन फोकस था वो था कि किस प्रकार से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा इनपुट करें। लेकिन आज की जो ये मीटिंग है ये एक उसके बाद का इफेक्ट है
कि अब हम जो हमारी धरती माँ है उसको किस प्रकार से हर चीज के लिए हम फसल उगाते हैं और वहां से हर चीज का हम फायदा ही फायदा उठा रहे हैं। हमारी जो प्रगति है उससे भी हम जहां जितना चाहे उतना फायदा उठाते आ रहे हैं कि इसका असर हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी प्रगति पे, पर्यावरण पे किस प्रकार से पड़ रहा है। हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ आसान काम है कि पराली को नष्ट करने के लिए उसी में आग लगा दी, लेकिन इसका जो पर्यावरण पे असर पड़ता है वो कहीं और जाके किसी और जिले में नहीं पड़ता, किसी और गांव में नहीं पड़ता, वो हमारे पे ही पड़ता है। जो उससे प्रदूषण होता है उसका सारा असर हम पे भी पड़ता है। तो यहाँ पर ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाती है कि किस प्रकार से ये जो प्रदूषण फैल रहा है इसकी रोकथाम की जाए। सरकार की तरफ से भरसक प्रयास किए गए हैं, आपके सामने अभी मशीनों की वीडियो भी चलाई जा रही है कि बहुत सारी मशीनें जो है, तकनीकें जो है, वो सरकार के द्वारा आपके गांव के आसपास उपलब्ध कराई गई हैं। और जो कुछ प्रगतिशील किसान हैं उनको इनसे भी आगे काफी कुछ पता है और वो कर भी रहे हैं। जरूरी इसमें ये है कि आपके खेत के अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार आपको इसमें से जो भी मशीन ठीक लगती है उसका आप उपयोग करें और पराली जलाने के बजाय उसके स्टैक्स बना के, उसके बंडल बना के जो हमारी पेपर इंडस्ट्री है उसमें बहुत अच्छे दामों पे ये सेल भी हो जाती है। और भी बढ़िया काम है यदि हम उसकी वही उसको खेत में ही मल्चिंग करके उसको खेत में ही डाल दें जिससे कि वो खाद का भी काम देगी।